एक लड़की एक ब्लाइंड है डेट पे जाने वाले थे और उसे एक अजीब आदमी मिल जाता है। हेलो फ्रेंड, रिटर्न टू सेंडर 2015 थ्रो हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन करेक्टर मिरेंडा को देखते हैं, जो कि काफ़ी स्वीट थी और वह काफ़ी अजीब होने के कारण काफ़ी अजीब तरह की, और उस वह सर्जन बनना चाहती, सर्जन नर्स। और तभी हम देखते हैं कि वह काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान रहती है और वो आजकल एक ओल्ड लेडी को ट्रीटमेंट दे रही होती है और उसे लगता है कि ओल्ड लेडी काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड लेडी की डेथ हो चुकी, तभी उसके सन को कहती है कि तुम्हारे मर्डर को काफ़ी कम प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उसे मौत के आखिरी क्षण में दर्द काफ़ी कम होता है। उसका सन कहता है कि उसे और दर्द होना, क्योंकि मुझे वह 29 ईयर तक प्रॉब्लम में रखी थी। वो उसका और काफ़ी अपोजिट समझ में आता है। तभी वहाँ से वह उसकी फ्रेंड उसे बुलाने, तभी वह अब सभी लोग काफ़ी खुश होता। तभी वह जाती है स्टोर पे, तभी वह देखती है कि एक आदमी एक लड़की को काफ़ी छेड़ रहा हो। तभी वह उससे वो साइन करने के लिए, आजकल वह नॉर्मल पेन से साइन नहीं कर सके, उसे स्पेशल पेन से साइन करने ही पड़ता है, क्योंकि इसके हाथ कप कप का कप कप पा रहे होते हैं और वह कांपती रहती हैं। और तभी वो लोग सोचते हैं, तभी हम देखते हैं कि वो अपने फादर के यहाँ पर उसके फादर के यहाँ डॉग उसका कपड़ा फाड़ देता है और इससे वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दो फादर और मिरेंडा होटल में आए हुए, और होटल में देखते हैं कि कोई उसे हट कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि मिरेंडा उसका गला काट देती है और उसमें काफ़ी होशियारी से उसमें पाइप डाल देती है, क्योंकि उसकी जान बच जाए। तभी हम देखते हैं कि उसकी जान बच जाती है। तभी हम देखते हैं मिरेंडा एक हाउस देखने आई हुई थी, उसके फादर ने जो जो बताया था कलाकारी, वो एक कलाकारी कर रही होती है और वो उसको काफ़ी अच्छा केक भी बनाना आता है, वो काफ़ी बढ़िया केक भी बना लेती है मिरेंडा। तभी अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रिटी कर रही होती है और मज़े ले रही होती है केक के। तभी वो काफ़ी हंसती है, उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें एक तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है रही हूँ। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती, तभी देखते हैं कि कोई आया हुआ जो कि केविन है, और तभी केविन काफ़ी जल्दी आ जाता है। इससे मिरेंडा को काफ़ी अजीब लगता है। तो मिरेंडा कहती है कि तुम केविन हो, तभी वह कहते तभी उसे शक जाने लगता है। और तभी वह छोटे छोटे कपड़े पहने रहते हैं, मिरेंडा कहती है मैं चेंज करके आ रहा हूँ। तभी वहाँ पे देखते हैं केविन मानता नहीं और केविन काफ़ी कुछ देखने लगता है और सोचता है कि क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि केविन सभी जगह देखते, तभी मिरेंडा को काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है, क्योंकि वह अब उसका गिफ्ट को फाड़ देती। तभी एक्चुअल में केविन बिलियन जो काफ़ी खतरनाक है। बिलियन कहती है घर से बाहर चले जाए, बिलियन तो डोर लॉक कर देता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और खूब मज़े लेता है मिरेंडा का, और मिरेंडा काफ़ी बेहोश हाल। तभी हम देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पे केविन देखता है कि पूरे घर की हालत काफ़ी ख़राब है और वह पुलिस को कॉल कर देता है और वह बता देता है कि तभी मिरेंडा को होश आता है। मिरेंडा पूरा जानकारी बताती है कि मैं जिस होटल में गए थे वहाँ पे एक विलियम नाम का लड़का था, और तभी वहाँ पे उसे याद आ जाता है वहीं पे उसे फाइट हो रही हो, तभी वो देख जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे होटल के मालिक के पास विलियम आया हुआ है और पैसे, तब उसके पास पुलिस भी आई हो, तब वहाँ पर पकड़ा जाता है विलियम पकड़ा जाता है। उसके फादर काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं, उसके फादर सोचते हैं कि मैं अपने बेटी के लिए क्या क्या कर दूं। तभी वो अपने बेटी की फ़ोटो देख के काफ़ी रोने लगते हैं। मिरेंडा आजकल अपने फादर के घर पे ही रहती है और वह कुत्ते से काफ़ी दिक्कत में रहते, इसीलिए कुत्ते को देखते डोर बंद कर देती है और वह बताती है कि मेरे फादर काफ़ी अच्छे। तभी हम देखते हैं कि मिरेंडा आई हुई है रूम सेल करने के लिए, कि यहाँ पर रूम सेलर कहता है कि आपका रूम सेल नहीं हो पाया क्योंकि आपका हाउस कभी सेल नहीं हो सकता, क्योंकि तभी मिरेंडा को कहती है एक मंथ के बाद ट्राई करना। तभी मिरेंडा कहती है कि नहीं, मैं इतनी फेमस हो गई, मेरा कुछ होने वाला नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि रूम सेलर से मिलने के बाद यहाँ पे रूम सेलर ने एडवाइस किया यहाँ पे ट्री लगाने को, और ट्री लगाती है
और अपने रूम को काफ़ी अच्छा करने के लिए, हाउस को बाय करने के लिए कर आती है। तभी हम देखते हैं उसके फादर वहाँ पर, तभी मिरिंडा का देखते हैं हाथ काफ़ी कांप रहा होता है। वो सर्जन कैसे बनेगी, उसका हाथ तो कांपता रहता है और काफ़ी दिक्कत है। तब मिरिंडा को एक गिफ्ट सर्जन वाला दिया गया था और वह सर्जरी करने एक्चुअल में एक गेम है। तभी हम देखते हैं मिरिंडा आजकल केक बना रही होती है, उसका हाथ केक भी बनाने में नहीं काम कर रहा, तो उसका हाथ काफ़ी कांप रहा होता है और वह सर्जन कैसे बनेगी। वो सोचती है कि मैं सर्जन बन पाऊँगी कि नहीं, और वह उसे सर्जन के लिए मना करने वाले। तभी उसके एक फ्रेंड कहती है कि तुम्हें इतने सालों से तुमने मेहनत की है, ऐसे कैसे हाथ से मौका जाने दोगी। तभी उसे समझाती है और मिरिंडा काफ़ी दिक्कत में रहती है क्योंकि उसका आजकल हाथ काफ़ी हिल रहा होता है। तभी वह जाती है हार्डवेयर की दुकान पे, तभी वह वहाँ पे सामान लेने के लिए, और तभी हम देखते हैं कि उसे सामान लेना होता है और वह वहाँ से कुछ बाय करने वाली थी। तभी देखते हैं कि वह कहती है कि तुमने अभी पुराना पैसा नहीं दिया हुआ होता। तभी उससे काफ़ी झगड़ा हो जाती है और मिरिंडा कहती है कि तुम छोटे छोटे कपड़े, तभी उसे दिखा देती है कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करना। तभी वो आज सर्जरी करने वाली गेम खेल रही होती है लेकिन वह सर्जरी कर नहीं पाती है और वह काफ़ी प्रॉब्लम में होती है। और मिरिंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह सोचती है कि आज वह विलियम के पास एक लेटर लिखना चाहती थी लेकिन लिख नहीं पाती है। बिलिंग पर लेटर लिख के भेज देती है और बिलियन उसे बाई पर। तभी वह देखती है कि उसका खिड़की ख़राब हो चुका है, उसे रिपेयरिंग के लिए चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा के फादर उसके लिए झूला बना रहे होते हैं। उसे उसने कहा कि उसके फादर ने कहा तुम और तुम्हारी मदर इसको इसमें काफ़ी दिनों से। तभी वह कहते तो फादर तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब, हम और मदर की हम लोग को जो आपस में जमती नहीं थी। तभी हम देखते हैं फादर उसके गिर जाते हैं और तभी हम देखते हैं मिरिंडा फिर एक बार लेटर लिखती है। मिरिंडा से कॉल करने के बाद यहाँ देखते हैं कि वो डॉग के पास आती है। डॉग के लिए कुछ खाने के लिए मिरिंडा लाई हुई थी इसलिए डॉग भी उसे लाइक करेगा। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा खाने वाला चिल्ली करती है और डॉग उसके पास जाता है और मिरिंडा से और डॉग से जमने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा आज फिन विलियम के पास एक लेटर लिखती है और विलियम भेजता है लेटर कि तुम जीत गई हो। तभी हम देखते हैं कि विलियम से मिलने मिरिंडा गई हुई है और विलियम से कहती है कि तुम विलियम कहता है मैं जानता हूँ तुम किस लिए आते हो। यहाँ पे देखते हैं कि मिरिंडा कहती है तुम ये मत सोचो कि मैं काफ़ी प्रॉब्लम है, तुमसे कहूँगा तुम मेरे साथ क्यों ऐसा किए, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी और तुम सोचो भी मत और मैं इतना बेचारी भी नहीं हूँ। तभी विलियम कहता है कि अरे यार क्या बात है, कैसे बात कर रही हो। तभी वह कहती है कि तुम काफ़ी प्रॉब्लम में थे और मेरे साथ जो भी हुआ वो सब तुम्हारी गलती से हो गया। तभी विलियम कहता है मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा काफ़ी प्रॉब्लम है। तभी वह कुत्ते को जैसे ट्रीट कर रही होती है वैसे ही विलियम को ट्रीट करते हैं। उसके फादर कहते हैं आजकल तुम कुत्ते को काफ़ी ध्यान दे रही हो। तभी वह डॉग के बारे में बताती है, जितना मैं डॉग को लाइक करूँगा उतना मुझे डॉग लाइक करेगा, वही फंडा विलियम के साथ भी निभा रही होती है। आज फिर देखते हैं कि मिरिंडा को ट्रीट कर रहे हैं। तभी आज देखते हैं कि मिरिंडा विलियम से मिलने आई हुई है। अब विलियम कहता है कि तुम मुझसे इसलिए मिल रही हो क्योंकि मैं इस जगह हूँ, इसीलिए तुम मुझसे मिलने आती होगी ना। तभी वो मिरिंडा कहती नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे ऐसे ही मिलते आती ही रहूँगी। तभी हम देखते हैं कि विलियम काफ़ी फरार करने लगता है मिरिंडा को। तभी हम देखते हैं उसके फादर का वहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब हालत होती है। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा काफ़ी डॉग का ख्याल रखती है। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा फिन से विलियम के पास मिलने के लिए आया लेकिन यहाँ पे विलियम आता भी नहीं है मिरिंडा से मिलने के लिए। मिरिंडा से विलियम के साथ काफ़ी फाइट हो जाती है उसके पार्टनर के साथ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे विलियम फिन आ जाता है और विलियम कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुमने मुझसे मिलने क्यों नहीं मिरिंडा कह दिए। तो विलियम दिखा देता है कि मेरा आज मेरे फ्रेंड को साथ फाइट हुआ। तभी हम देखते हैं कि मिरिंडा आज
काफ़ी दिनों से वो क्रिसमस आ रहा होता है और क्रिसमस डे आ रहा होता है, इसी के कारण मिरांडा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। भी हम देखते हैं कि यहाँ पे विलियम अपने सेलर को काफ़ी ज़्यादा हड़काता है और धमकाता है, तुम ज़्यादा जैसा मत कर, मैं क्यों इस जेल में हूँ तुम्हें पता नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर विलियम से मिले मिरांडा आई हुई, मिरांडा कहती है कि विलियम तुम मुझे लाइक करते हो कि नहीं। तो भी मिरांडा कहती है हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और दोनों में आपस में काफ़ी बातें चलती है, और वो बताता है कि मेरी मदर मर चुकी है, और मिरांडा भी बताता है मेरी मदर मेरी बचपन में ही मर चुकी थी। तभी विलियम कहता है इसीलिए मैं इतना बदमाश हूँ, तभी तो मैं मेरी मदर ना हो, तभी मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि मिरांडा कुछ जवाब नहीं दे रही होती है, मिरांडा कहती है कि चलिए ठीक है। तभी हम देखते हैं कि विलियम कहता है तुम्हें मैं काफ़ी लाइक करता हूँ। तभी वहाँ देखते हैं कि मिरांडा के फादर आए हुए हैं क्योंकि उनका डॉग मर चुका है, और आज देखते हैं तभी मिरांडा डॉग को दफन कर देती है। तभी मिरांडा के फादर काफ़ी इमोशन हो जाते हैं क्योंकि उनका डॉग मर गया है, वह काफ़ी रो रहे होते हैं। तभी मिरांडा कहती है ऐसा कुछ होते ही जाता रहता है, ये ज़िंदगी है कुछ भी होते रहेगा। तभी हम देखते हैं आज विलियम जेल से छूटने वाला होता है और अपने दोस्त से कहता है सेल से कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ देखते हैं मिरांडा के हॉस्पिटल में विलियम ने एक गिफ्ट भेजा हुआ था। तभी मिरांडा काफ़ी गुस्सा हो जाता, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारे डॉक्टरी खाने में ये सब फूल उल मत भेजा करो। तभी हम देखते हैं कि विलियम एक सभी लड़कियों को निगाहें घूर, तभी उन लोग का बॉयफ्रेंड है और वह डोर बंद कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि विलियम सुधरा हुआ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मिरांडा के घर विलियम आया हुआ है, विलियम जो कि मिरांडा का फ्रेंड है। और तभी हम देखते हैं मिरांडा विलियम के लिए जूस तैयार कर रही होती है, जूस तैयार करके उसे दे देती है, और वह देखता है कि उसकी खिड़की सही नहीं है और उसके नाप के लिए वहाँ पे चला जाता है। वहाँ देखते हैं मिरांडा के फादर वहाँ पे थे, मिरांडा के फादर समझ जाते हैं विलियम को पहचान जाते हैं कि वहीं पे आए हैं। तभी वह समझ जाते हैं और तभी वह सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है। तभी वहाँ से वह समझ गए हैं। अब तभी मिरांडा के पास आए, मिरांडा काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता है विलियम कैसा है इंसान है, तुम्हारे साथ क्या किया था। तभी यहाँ देखते हैं कि उसके फादर के साथ काफ़ी दिक्कत वाली बात चलती है और ये सब बातें विलियम सुन लेता है, विलियम समझ जाता है कि यहाँ पर काफ़ी दिक्कत। तभी वह कॉल करके मिरांडा से कहता है मैं तुम्हारे घर पर नहीं। तभी मिरांडा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, मेरे फादर अभी काफ़ी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, काफ़ी हम लोग का फिक्र करते हैं। तभी हम देखते हैं कि विलियम काफ़ी थक जाता है और मिरांडा से बातें कर रहा होता है, और देखते हैं कि मिरांडा आज उसे जूस दे देती है। और तभी हम देखते हैं मिरांडा विलियम को बताती है तुम्हें बुखार हुआ है और अब तुम आराम करो। तभी हम देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया होता है, मिरांडा कहती है कि रेपिस्ट को कोई इलाज नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डोर बज रहा होता है और तभी वहाँ पे विलियम सोचता है चिल्लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मिरांडा आ जाती है। मिरांडा कहती है चुप क्यों बोल रहा है। तभी हम देखते हैं कि दोनों में काफ़ी बहस चलने लगती है और विलियम कहते तुम मुझे मार नहीं सकती। तभी वो बताता है कि तुम तो जान बचाती है, तुम कैसे। तभी वहाँ पे बेल बज रहा हो, तभी वह उसकी मुँह बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है और वह एक पेन किलर लेके चली जाती है और उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि मिरांडा विलियम का मुँह खोल देती है और उसे कहती है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि मिरांडा काफ़ी तेज चिल्लाने लगती है, उसे लगता है मैं जीत जाऊंगी, वो कहती है मैं जीत गई आई एम बीन करने लगती है और कहती है आज तुम्हारा एंड करके। तभी उसके फादर कहते हैं वह सही नहीं। तभी मिरांडा बताती है कि विलियम हमारे लाइफ से चला गया है, वो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके फादर सोचते हैं कि मिरांडा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती है, अकेली रहती है और विलियम उसके साथ कोई गलत व्यवहार फिर ना कर दे, इसीलिए डर रहे होते हैं उसके फादर। तो मूवी के एंड यहीं हो जाए, मूवी लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ
अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।